मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मोदी सरकार दावा करती है कि वो देश के 80 करोड़ गरीब लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचा रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट कहती है कि पौष्टिक खाना 74% भारतीयों की पहुंच से बाहर है, यानी 74% भारतीय जो खा रहे हैं उसमें हेल्दी फूड नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हेल्दी फूड खरीद ही नहीं पा रहे, वो उनकी पहुंच से बाहर है। वो रोज़ अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं पी रहे, फल नहीं खा रहे, मीट और अंडा जैसी जो अच्छी हेल्दी चीज़ें हैं वो उनकी डाइट का हिस्सा नहीं है। मोदी राज में देश में जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ी है उतनी रफ्तार से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, इसलिए लोग खाने पीने की सस्ती और अनहेल्दी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। हेल्दी फूड सभी के लिए ज़रूरी होता है, आपको दिन भर काम करने के लिए कैलोरी चाहिए होती है, आपको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन हेल्दी फूड सबको मिल नहीं पा रहा। देश के 3/4 लोग जो हैं वो हेल्दी फूड का इंतजाम करने में असमर्थ हैं। ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, 80 करोड़ के आसपास से ज़्यादा का आंकड़ा है जो खाने पीने का इंतजाम ही नहीं कर पा रहे। ये खुलासा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी है यूनाइटेड नेशंस की, उसकी हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2020 में करीब 76% लोग हेल्दी फूड की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। ये 2020 का डेटा है, लेकिन 2021 का जो डेटा अभी सामने आया है उसके मुताबिक इसमें बहुत मामूली सा सुधार हुआ है और अब 76% की जगह 74% यानी करीब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग सेहतमंद खाना नहीं खा पा रहे। वो उनको परेशान होना पड़ रहा है कि 100 करोड़ से ज़्यादा करीब लोग हैं जो रोज़ की हेल्दी डाइट का इंतजाम नहीं कर पा रहे। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन यानी SOFI जो 2023 की रिपोर्ट है, इस शीर्षक से ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस टाइम पीरियड के दौरान खाने पीने की चीज़ों की कीमतें जितनी तेज़ी से बढ़ी हैं उतनी तेज़ी से लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी, इसलिए उनकी जेब पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो FAO की रिपोर्ट है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत में हर व्यक्ति अपनी डाइट पर करीब $2.97 यानी करीब करीब $3 रुपए खर्च करता है और अगर आप उस रुपए में डालेंगे उसको तो करीब 250 रुपए के आसपास का आंकड़ा बैठता है, 247 के आसपास का ये प्रतिदिन उसे खर्च करना पड़ेगा अगर उसको एक अच्छी डाइट चाहिए। इसके मुताबिक उसे अपनी डाइट के लिए हर महीने जो है एक अच्छी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी, 7,310 रुपये उसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में 4 लोगों का अगर परिवार है, आप मानिए कि किसी के घर में 4 लोग हैं और हर व्यक्ति रोज़ अपनी डाइट पर करीब 250 रुपये खर्च कर रहा है तो ये आंकड़ा बैठता है 29,210 रुपये यानी करीब 30,000 रुपये उसे महीने के अपने 4 लोगों के परिवार को हेल्दी डाइट देने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जो भारत में हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। इसके मुकाबले में वो पैसा कमा नहीं रहे जितना खर्च हो रहा है। आमदनी जो है 54 और खर्चा रुपया, ये जो कहावत है आमदनी 58 खर्चा रुपया, वैसा ही हाल ज़्यादातर भारतीयों का है। यानी अगर एक आदमी रोज़ाना अपनी डाइट में अच्छी सब्जियां, मीट, अंडे, फल और दूध वगैरह शामिल करे तो उसे औसतन रोज़ाना करीब 250 रुपये चुकाने पड़ेंगे और ये लोगों की जेब से बाहर है, वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी रकम खर्च नहीं कर सकते रोज़ के। आप देखिए ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं बम्बई दिल्ली जैसे शहरों में जो लोग हैं वो वड़ा पाव खा लेंगे, वो जो है बाहर कोई 20 रुपये 50 रुपये की पूरी सब्जी की प्लेट है वो खा लेंगे। इस तरह के अनहेल्दी खाने पे वो लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है और हेल्दी फूड महंगा है जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 80 करोड़ यानी कि 60% जो भारतीय हैं वो सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी वाले राशन पर निर्भर करते हैं, यानी जो सरकार उनको हर महीने राशन देती है उस पर वो निर्भर करते हैं। अगर सरकार उन्हें हर महीने का जो राशन है 5 किलो अनाज, गेहूं, दाल, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं वो उन्हें ना मिले तो वो ज़्यादा भुखमरी के शिकार होंगे, उनको ज़्यादा भुखमरी से गुजरना पड़ेगा, वो खरीद पाने में असमर्थ लोग हैं। लेकिन अक्सर लाभार्थियों को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत जो राशन मिलता है उसमें बहुत बार अच्छी क्वालिटी का राशन नहीं होता। किसी तरह इस राशन से कैलोरी की पूर्ति तो हो जाती है कि आपने गेहूं खा लिया, चावल खा लिया या दाल खा ली, लेकिन इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं होता, यानी आपको जितनी जो पोषण दिन में चाहिए होता है, जितना प्रोटीन चाहिए, जितनी जो है बाकी चीज़ें आपको ज़रूरी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वैसा आपको मिल नहीं पा रहा।
इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हालात हो जाते हैं उन लोगों के लिए। सिर्फ गेहूं या चावल से ही ज़रूरी पोषण मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि दूध, फल, अंडे, मीट और अन्य जो हेल्दी प्रोडक्ट हैं वो भी आपकी डाइट का जब हिस्सा होंगे तब आप जाकर एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए एक पोषण वाली डाइट को ले सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं हो रहा। अफसोस ये है कि ज़्यादातर भारतीय ऐसा करने में, ऐसी हेल्दी डाइट खरीदने में नाकाबिल हैं। फिर वही लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ों के सहारे अपना दिन काटते हैं। फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अभी दुनिया की बड़ी आबादी भूखे पेट सो रही है। काफ़ी दुनिया भर के लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, एक दो टाइम उनको खाना नहीं मिलता। ऐसे में साल 2030 तक जो भूखे पेट सोने वाले लोगों का आंकड़ा है वो करीब 84 करोड़ हो जाएगा। दुनिया भर की बात हो रही है। आंकड़े देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि 2014 के बाद से भूखे पेट सोने वालों की आबादी लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान समेत दुनिया के कई गरीब और पिछड़े देशों में जिस तरह के हालात हैं उससे आने वाले समय में भुखमरी के हालात और गंभीर होने का अनुमान है। एक तरफ मोदी सरकार देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा करती है, वो थकती नहीं है ऐसा दावा करते हुए, और दूसरी तरफ लोगों की जेब में पैसा नहीं आ रहा। ऐसे में ये सपना कहीं सपना ही ना रह जाए, क्योंकि अगर देश की जनता हेल्दी होगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे, यानी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, वो कम बीमार होंगे इसलिए उनका दवाइयों का खर्चा कम होगा, उनकी बचत ज़्यादा होगी और वो देश के अर्थव्यवस्था में ज़्यादा योगदान भी दे पाएंगे। इसलिए ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। इसलिए कहते हैं कि हेल्दी शरीर हो तो आप कई तरह के बचत कर पाते हैं, आपके खर्चे जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए जनता को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाए बिना भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ये कहावत इस मामले में भी समझनी चाहिए कि जिस तरह से देश की जनता को धर्म के नाम पर चाशनी चढ़ाई जा रही है और उनका पेट खाली है तो वो ज़्यादा दिन तक भूखे पेट हिंदुत्व के नाम पर भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं गाएंगे। पेट की आग सबसे खतरनाक होती है, इसलिए जनता का पेट भरा रहेगा तभी सियासत का खजाना भी भरा रहेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।